Before starting function creation process, we want to discuss what is the difference between declarations or definitions. Declaration or definitions का function से भी relation है, plus functions के साथ साथ same things related किससे हैं, also variables or structure or unions. Function creation process two steps में divide हुआ, function declaration, function definitions. ये दोनों के बाद में discuss करेंगे. इससे just पहले आपको clear होना चाहिए what is the exact difference between declaration or definitions. जिन्हें declarations are compile time instructions to the compilers. Means किसी भी कोड के रिस्पेक्ट में, प्रोग्राम के रिस्पेक्ट में compilation हमेशा declarations के बेसिस पर परफॉर्म होता है, जबकि execution हमेशा definitions के बेसिस पर परफॉर्म होगा. Definitions are actual logic of the program, whereas declarations are only information or instructions. Means only some predefined instructions. Means declarations क्या होंगे, सब fixed set of predefined properties. जबकि definitions क्या होंगे, definitions always provide कौन करेगा, always developer और programmers. One by one, first one declarations. First things, function, sorry, declarations are compile time instructions to the compiler. Maybe about variables, maybe about functions, maybe about structures. ऑलरेडी डिस्कस किया था, अगर आपके पास ओनली वेरिएबल का नेम अवेलेबल है ओनली एक्स, देन इस केस में आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं होगा व्हाट इज द साइज ऑफ एक्स, व्हिच टाइप्स ऑफ कंटेंट्स आर अलाउड इनसाइड एक्स और व्हाट इज द साइज ऑफ एक्स. लेकिन जैसे इस केस में डेटा टाइप प्रोवाइड करेंगे, देन अब एक्स का डिक्लेरेशन अवेलेबल है एज अ डेटा टाइप एज इंटीजर. जैसे इसका डिक्लेरेशन प्रोवाइड किया, इमीडिएटली कंपाइलर के लिए ऑब्जर्व करना पॉसिबल है एक्स के लिए 2 या 4 बाइट्स एलोकेट करने की नीड होगी. लेकिन अभी भी इस केस में इसका डेफिनेशन अवेलेबल नहीं. डेफिनेशन मींस वैल्यू, वेरिएबल का डेफिनेशन किससे रिप्रेजेंट होगा, वैल्यू सेशन से. सेम एज फंक्शंस के केस में 2 पार्ट्स होंगे, फंक्शन हेडर, फंक्शन बॉडी. फंक्शन हेडर मींस कंपाइल टाइम इंस्ट्रक्शंस और डिक्लेरेशंस. फंक्शन बॉडी मींस रन टाइम इंस्ट्रक्शंस और डेफिनेशंस. डिक्लेरेशंस के लिए कभी भी कंपाइलर किसी भी टाइप का कंपाइल कोड क्रिएट नहीं करता. सपोज दैट एक बार कंपाइलर ने इस डिक्लेरेशंस के लिए कंपाइल कोड क्रिएट कर लिया, मींस ये कोड कंपाइल हो गया. कंपाइलेशंस के केसेस में एक्स के रिगार्डिंग में कभी भी इसका डिक्लेरेशन इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूटेबल कोड में स्टोर नहीं, मींस रन टाइम पर कभी भी रिक्वायर्ड नहीं हो, रिक्वायरमेंट नहीं हुई व्हाट इज द साइज ऑफ एक्स और टाइप ऑफ एक्स. मींस साइज तो रिक्वायर्ड वाली नहीं, साइज सिंबल टेबल के बेसिस पर आइडेंटिफाई हुआ, न कि डेटा टाइप के बेसिस. प्रोसेस कंप्लीट डेप्थ में डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग प्री प्रोसेसिंग. फिलहाल याद रखना है डिक्लेरेशंस के ओनली कंपाइल टाइम इंस्ट्रक्शंस विच इज यूज्ड बाय कंपाइलर और प्रोग्रामर्स ड्यूरिंग कंपाइलेशन, नथिंग एल्स. कंपाइलर विल नेवर क्रिएट्स एग्जीक्यूटेबल कोड फॉर डिक्लेरेशंस. मींस इंटरव्यू में मोस्टली आपसे पूछ लिया जाता है डिक्लेरेशंस के लिए कंपाइल कोड क्रिएट होता है कि नहीं होता है. मींस डिक्लेरेशंस के लिए कभी भी किसी भी टाइप का कोई भी कंपाइल कोड क्रिएट नहीं होगा. कंपाइल कोड ओनली डेफिनेशंस के लिए क्रिएट होगा, न कि डिक्लेरेशंस के लिए. वेरिएबल का डिक्लेरेशन वेरिएबल के डेटा टाइप और स्टोरेज क्लास से रिप्रेजेंट होगा, जबकि वेरिएबल के वैल्यू से हमेशा वेरिएबल का डेफिनेशन रिप्रेजेंट होता है. सेम एज फंक्शंस के केसेस में फंक्शन हेडर पार्ट से हमेशा फंक्शन का डिक्लेरेशन रिप्रेजेंट होता है, फंक्शन बॉडी पार्ट से फंक्शन डेफिनेशन रिप्रेजेंट होता है. एग्जीक्यूटेबल कोड ओनली डेफिनेशंस के लिए क्रिएट होता है, ना कि डिक्लेरेशंस के लिए. नेक्स्ट सेशन में मींस जब भी मैं फंक्शन क्रिएशन प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा, प्रोसेस इनिशियली 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, फंक्शन डिक्लेरेशंस एंड फंक्शन डेफिनेशंस. मींस इनपुट नेक्स्ट सेशन कंप्लीट करने से जस्ट पहले एक बार सारे के सारे पॉइंट्स आपको फिनिश करना है.